हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू स्लीपी क्लासेस। इस वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारा होलिस्टिक एंड रैंक प्रोड्यूसिंग पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस कोर्स का अब सेकंड बैच जो है ये लॉन्च हो गया है। इम्पॉर्टेंटली 26 फरवरी से इसकी जो ओरिएंटेशन क्लासेस हैं उनकी शुरुआत हो जाएगी एंड 4 फेब से जो क्लासेस हैं वो शुरू हो जाएंगी। एंड टू एंड कवरेज है इसमें ऑप्शनल की, ताकि आपको कहीं और ना जाना पड़े, चाहे सोर्स मटेरियल हो, चाहे नोट्स हो, चाहे थिंकर्स स्कॉलर्स की एडिशन हो, चाहे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो या फिर गाइडेंस एंड मेंटरशिप हो, इंक्लूडिंग with a selected officer candidate। तो depending on your requirements आप choose कर सकते हैं अपने कोर्स को, चाहे ये without evaluation आप ले सकते हैं जो कि 12,000 से शुरू हो रहा है। अगर आप अपने answers भी चेक करवाना चाहते हैं along with watching lectures, doubt resolution and current affairs, तो आप हमारा with answer evaluation कोर्स ले सकते हैं। एंड अगर आप एक selected officer candidate के साथ one-on-one mentorship चाहते हैं तो आप हमारे PSIR का mentorship कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंटली इस टाइम पे डिस्काउंट भी चल रहा है। अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं अर्ली बर्ड 25 तो आप 10% डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंटली अगर एक बार आप कवर कर चुके हैं अपने ऑप्शनल को, बट जो डायनामिक एलिमेंट है पीएसआर के जुड़े करंट अफेयर्स हैं उनको याद नहीं रख पाते, उनसे कोप अप नहीं कर पाते, उनको कवर नहीं कर पाते, तो आप हमारा एक्सक्लूसिव करंट अफेयर्स का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मंथली हम आपको करंट अफेयर्स की पूरी एक कंपाइलेशन वीडियो लेक्चर्स एंड नोट्स के साथ देखते हैं फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो ना ही सिर्फ हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस बट ऑल्सो मैगजीन्स लाइक प्रोजेक्ट सिंडिकेट, फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन पॉलिसी, ORF, ITSA, इन सबसे जमा करके। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंटली हमारी एक बिगिनर्स वर्कशॉप, अगर आप UPSC 2025 के लिए PSIR ऑप्शनल चुन चुके हैं एंड इसकी तैयारी करना चाहते हैं, रिगार्डलेस ऑफ वेदर आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं या खुद करना चाहते हैं, हम एक लाइव बिगिनर्स वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे हैं 2 मार्च को। तो आइए और इसके अंदर जुड़िए, जहाँ पे मैं लाइव बैठ के आपके साथ 2 घंटे चर्चा करूँगी कि आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए टू कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस, कौन से सोर्सेज जो हैं इनको कवर करना चाहिए, करंट अफेयर्स के साथ कैसे कोप अप करें, आंसर राइटिंग की शुरुआत कैसे करें, इन सारी चीज़ों को मैं टैकल करूंगी। रजिस्टर करने के लिए हमारी वेबसाइट sleepyclasses.com पे जाइए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। अब हमने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विद द फॉर्मुलेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एक अटेम्प्ट किया गया टू रीफॉर्मुलेट कलेक्टिव सिक्योरिटी इन मोर वर्केबल मैनर, राइट। तो जितनी भी गलतियां लीग ऑफ नेशंस थी के साथ हुई थी उनके साथ उससे कुछ सीखने की कोशिश की गई एंड उसको रीवर्क करने की कोशिश की गई इन यूनाइटेड नेशंस। नाउ वन ऑफ द फर्स्ट डेवलपमेंट जो की गई वाज इन द फॉर्म ऑफ यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर था, ठीक है। तो हमने एक बात की कि लीग ऑफ नेशंस के अंदर लिखित में कोई चीजें ही नहीं थी, राइट। सो पहले ही उन्होंने क्या देखा कि उनका जो एक कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक लॉ जो कि हमें बताता है हाउ थिंग्स आर टू बी डन। उसी तरह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनके चार्टर्स होते हैं, विच आर बेसिकली अ लिस्ट, अ डॉक्यूमेंट ऑफ वेरियस रूल्स, रेगुलेशंस, रेजीम्स, जिनके बेसिस पे वो ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं एंड जो कि उनके मेंबर स्टेट्स पे लागू होते हैं। सो वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट यूएन डिड वाज कि लीग ऑफ नेशंस के अंदर कुछ ये जो डिफेक्ट्स एंड ओमिशंस एग्जिस्ट करते थे, राइट। डिफेक्ट्स मतलब गलतियां एंड ओमिशंस ऐसी चीजें जिनकी उन्होंने बात ही नहीं की थी, राइट, कि इकोनॉमिक सैंक्शंस किस तरह के होंगे, राइट, व्हाट इज मिलिट्री एक्शन, राइट, इन सबको उन्होंने करेक्ट करने की कोशिश की, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लीग ऑफ नेशंस की बात करें, लीग ऑफ नेशंस क्या बोल रहा था कि हाँ जी हम कलेक्टिव सिक्योरिटी को जो है प्रमोट करते हैं, इस आइडिया पे जो है हम काम करना चाहते हैं, राइट। बट उन्होंने कहीं पे नहीं बोला कि एक वॉर के ऊपर जो है हम वॉर को जितना घटा सके लेट्स ट्राई टू कंप्लीटली remove it from the sphere of global politics। Similarly एक और जो major issue था लीग ऑफ नेशंस में कि डिस्प्यूट्स नेगोशिएट करने के लिए, अगर दो मेंबर स्टेट्स है जिनके बीच में कोई टेरिटोरियल, इकोनॉमिक या कोई भी डिस्प्यूट चल रही है, तो उसको रिजॉल्व करने का नेगोशिएशन का जो प्रोसीजर था वो बहुत ही ज्यादा रिजिड था, राइट। एंड हमने देखा है, जैसे कि हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, कि जितनी ज्यादा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन उतनी कम जो है उनकी अडेप्टेबिलिटी होती है। तभी हम बोलते हैं ना दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बैलेंस बिटवीन रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। तो ये rigidity was a major failure of the League of Nations, right? साथ ही में एक और major missing point क्या था कि लीग की जो काउंसिल थी उनके साथ कोई उनको पावर्स ही नहीं दी गई थी कि अगर कहीं पे हॉस्टिलिटीज ब्रेकआउट करने का पॉसिबिलिटी है तो आप किस तरह से जाके उस सिचुएशन को डिफ्यूज कर सकते हो, या फिर अगर कहीं पे वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट आउटब्रेक हो गई है, राइट, हाउ डू यू try and resolve the matter or terminate the hostilities, या at least आप fighting violence को रोक सके, राइट। तो उसका कोई mechanism ही prevalent नहीं था। So UN Charter में देखा गया कि हमने ये काम करने पड़ेंगे, ठीक है। अब UN Charter जो है recognize करता है कि ऐसे कोई circumstances नहीं हो सकते under which कोई भी nation state जो है legitimately एक war start करे, राइट, दैट यूनिलैटरली मैं किसी पे हमला बोल दूं। नेगोशिएशन, टॉक्स, एवरीथिंग शुड बी अ रूट रादर देन स्टार्टिंग अ वॉर। तो इन एनी वे अगर कोई भी कंट्री इनिशिएट करती है वॉर को, वो गलत बात है। However, इसका ये मतलब नहीं है कि all kinds of fighting जो है उनको delegitimize कर दिया है। Article 51 जो है वो कहती है that obviously if I feel attacked, अब कल को पाकिस्तान बोल दे मैं आप पे न्यूक्लियर वेपन जो है छोड़ने वाला हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है इंडिया बैठा रहेगा हाथ पे हाथ धरे, राइट। कलेक्टिव सेल्फ या फिर इंडिविजुअल सेल्फ डिफेंस के लिए जो है नेशन स्टेट्स के पास राइट है टू रिस्पॉन्ड टू इवन एंड इलीगल आर्म्ड अटैक, ठीक है, बट नॉट टू इनिशिएट वन, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान, जैसे कि हम लोगों ने वेरियस सर्जिकल स्ट्राइक्स की, राइट, वो क्या है, वो हम कहते हैं हमारे इंडिविजुअल सेल्फ डिफेंस के लिए थी। व्हाई? बिकॉज हमारा ये मानना है दैट थ्रू नॉन स्टेट एक्टर्स सच एज टेररिस्ट पाकिस्तान एंड पाकिस्तानी आर्मी जो है हम पे आर्म्ड अटैक्स कंटिन्यूसली करती रहती है। सो वट एवर सर्जिकल स्ट्राइक्स दैट वी इंडल्ज इन, वो क्या है, दीज आर्ट इनिशिएशन ऑफ एन आर्म्ड अटैक बट इन फैक्ट दीज आर इन सेल्फ डिफेंस, हम अपने आप को बचाने के लिए ये कर रहे हैं, राइट। सिक्योरिटी काउंसिल के पास इनफैक्ट डिसीजन मेकिंग पावर है कि अगर उन्हें लगता है कि अ थ्रेट टू पीस जो है एग्जिस्ट करती है तो वो कलेक्टिव एनफोर्समेंट मेजर्स जो हैं उनको जारी कर सकते हैं सो एज टू डिफ्यूज दिस थ्रेट। तो अगर उन्हें कहीं पे लगता है कि कोई नॉन स्टेट एक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ से आइसिस, इन द फॉर्म ऑफ से बोको हराम, या फिर स्टेट एक्टर्स, राइट, जो कि कोई और स्टेट किसी स्टेट पे हमला कर रहा है, या फिर इन फाइटिंग चल रही है, जैसे कि सुदान के अंदर क्या हुआ था, सुदान के अंदर इन फाइटिंग चल रही थी, लाइबेरिया में क्या हुआ, इन फाइटिंग, सीरिया में क्या चल रहा है, इन फाइटिंग, ठीक है। तो इनके अगेंस्ट हम कुछ कलेक्टिव एनफोर्समेंट मेजर्स ले सके। हाउएवर अगेन हमने देखा द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू जो कि 1945 में हुई है ऑल्सो मार्क्स द स्टार्ट ऑफ कोल्ड वॉर। एंड ये कोल्ड वॉर क्या थी, ये कोल्ड वॉर बेसिकली थी अ डिविजन, एन आयरन कर्टन विच हैड बीन ड्रॉन बिटवीन द लिबरल कैपिटलिस्ट वर्ल्ड लेड बाय यूएसए एंड द कम्युनिस्ट वर्ल्ड विच वाज लेड बाय सोवियत यूनियन, राइट। तो इनके बीच में एक जो टग ऑफ वॉर थी वो शुरू हो गई। एंड ये जो टग ऑफ वॉर थी द ओनली रीजन ये एक हॉट वॉर क्या होती है, जब प्रॉपर फाइटिंग हो, जैसे हमारी वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 हॉट वॉर्स थी, ठीक है। ये एक हॉट वॉर में क्यों नहीं कल्टिवेट हुई, बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, एंड वही डेटरेंस का आइडिया जो था वो चालू हो गया था, एंड प्लस कलेक्टिव डिफेंस स्ट्रैटेजीज हैड कम इनटू बीइंग। कलेक्टिव डिफेंस स्ट्रैटेजीज, जैसे कि हमने आपको शुरुआत में ही एग्जाम्पल दिया था, नेटो वॉज अ कलेक्टिव डिफेंस स्ट्रैटेजी ऑफ द liberal capitalist world and Warsaw Pact was a collective defense strategy by the कम्युनिस्ट वर्ल्ड, ठीक है। तो क्या हुआ, हम बात करते हैं कि किस तरह से यूएन का भी ये जो कलेक्टिव सिक्योरिटी का एंटरप्राइज था, डिस्पाइट द वेरियस चेंजेस एंड डेवलपमेंट्स जो कि उन्होंने फ्रेमवर्क में किए, ये जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज अब आगे ड्यू टू कोल्ड वॉर, यूएन अगेन वाज रेंडर्ड रिडंडेंट, वो कोई काम नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि दोनों ही परमानेंट 5 मेंबर्स थे, राइट। और एक आप पूरा डिवीजन देख सकते थे, यू हैड सोवियत यूनियन एंड चाइना जो कि कम्युनिस्ट थे, राइट। पहले जो है ये ताइवान होता था, लेटर ऑन जो है ताइवान को रिप्लेस करने के लिए बहुत ज्यादा पुश आई थी फ्रॉम द सोवियत यूनियन। इनफैक्ट उन्होंने एक तरह से अटेंड करना बंद कर दिया था यूएन को कि आप जो है मेनलैंड चाइना को आप लेके आइए इन द यूएनएससी रादर देन ताइवान, राइट। ये क्यों था? क्योंकि चाइना के अंदर 1949 के अंदर क्या आया गया था, चाइना में रेवोल्यूशन आया था, जिसके कारण जो आपकी कॉमिनडोंग गवर्नमेंट थी, राइट, लेड बाय चेंग काई शेक, वो भाग गई थी ताइवान, एंड माओ लेड चाइना जो है कम्युनिस्ट चाइना दैट केम इनटू बीइंग। तो ऑब्वियसली अब P5 मेंबर्स जो थे लिबरल कैपिटलिस्ट स्टेट्स थे, आपके यूके हैं, यूएसए है, फ्रांस है, क्या वो एक कम्युनिस्ट कंट्री को एंट्री देना चाहेंगे? नहीं देना चाहेंगे, ठीक है। तो इस तरह का ईस्ट वर्सेस वेस्ट का ये जो रिफ्ट है ये चल रहा था, वेर इन ईस्ट रिप्रेजेंटेड द कम्युनिस्ट वर्ल्ड एंड वेस्ट रिप्रेजेंटेड द आपका लिबरल कैपिटलिस्ट वर्ल्ड। यहाँ पे ईस्ट वेस्ट ना आप एशिया के कॉन्टेक्स्ट में मत देखिए, अगेन हम बात करते हैं ना, बहुत ही एथनोसेंट्रिक व्यू है आईआर का, ये यहाँ पे ईस्ट वर्सेस वेस्ट के अंदर भी रिफ्लेक्ट करता है, बहुत ही यूरोपियन व्यू है, क्योंकि वेस्ट यूरोप वाज लिबरल कैपिटलिस्ट एंड ईस्ट यूरोप वाज कम्युनिस्ट, तभी हम इसको ईस्ट वर्सेस वेस्ट की कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। एंड इस दौरान क्या हुआ, रादर देन कलेक्टिव सिक्योरिटी ज्यादा जो है डिपेंडेंस इन कलेक्टिव डिफेंस मेजर्स में आने लग गई, राइट। हमने जैसे कि पहले ही इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था, कलेक्टिव डिफेंस क्या है, ग्रुपिंग्स लाइक नेटो एंड वॉरसो जिसमें लिमिटेड मेंबर्स होते हैं एंड प्लस दे हैव अ प्री डिफाइंड एनिमी। नेटो के लिए आपका कम्युनिस्ट वर्ल्ड एंड कम्युनिस्ट वर्ल्ड जो आपका वॉरसो पैक्ट है उसके लिए आपका लिबरल कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, राइट। तो प्री डिफाइंड जो है चैलेंजेस या एनिमीज वहां पे एग्जिस्ट करते थे। नाउ बिकॉज ऑफ दिस रिफ्ट एंड अगेन वीटो पावर है, राइट, आपके परमानेंट 5 मेंबर्स के बाद, तो अगर कोई भी कलेक्टिव एक्शन वो करना चाहते हैं तो रशिया जो अब सोवियत यूनियन होता था वो उसको वीटो कर देता था, राइट। तो क्या हुआ, स्कॉलर्स बोलते हैं कि यूएन एसेंशियली क्या था, इट वाज अ क्रीचर ऑफ इट्स मेंबर्स, कि यूएन उतना ही काम कर सकता है जितना उसके मेंबर्स उसको अलाउ करते हैं। एंड हुआ द डोमिनेंट मेंबर्स द परमानेंट 5, राइट। तो ये परमानेंट 5 का क्या हो गया, जब तक उनको सारे के सारे यूनानिमिटी नहीं मिलती थी अमंग्स द परमानेंट 5 मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, दे कुड नॉट रियली प्रोसीड विद एनी एक्शन। तो अब बहुत ही लिमिटेड इंस्टेंसेस ऐसे आगे निकल के आए जब सिक्योरिटी काउंसिल जो है ऑपरेशनलाइज कर पाई कलेक्टिव सिक्योरिटी को यूएन की एजेस के अंदर, राइट। इनफैक्ट मोर और लेस जो है मोस्ट ऐसे इंसिडेंट्स को जो है कर्ब कर दिया जाता था। एक मेजर जो सक्सेस स्टोरी जिसकी बात की जाती है, जहां पे सिक्योरिटी काउंसिल ने अग्री किया ऑन कलेक्टिव एक्शन दैट इज मिलिट्री एनफोर्समेंट, वाज विद रिगार्ड टू योर कोरियन वॉर, ठीक है। अब ये भी क्यों पॉसिबल हुआ, कोल्ड वॉर अभी भी चल रही थी, बट बताया ना आगे थी, चाइना में रेवोल्यूशन, ताइवान मेंबर होता था एंड सोवियत यूनियन जो है टेम्पररी विड्रॉ करके बैठा हुआ था काउंसिल में से। क्यों? क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि आप जो मेनलैंड चाइना है जो कि कम्युनिस्ट चाइना बन गया था, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बन गया था, आप उसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर रिकॉग्नाइज कीजिए रादर देन ताइवान, राइट। तो यूएसएसआर वाज मिसिंग, तो वो वीटो नहीं कर पाया और इसलिए सोवियत आपकी जो यूएनएससी है उन्होंने सैंक्शन कर दिया मिलिट्री एक्शन इन कोरिया। अब सोवियत यूनियन को ये रियलाइज हुआ, वो कहते अरे मेरे पीठ पीछे ये कैसे कर दिया, तो भागे भागे वापस आए, राइट। उन्होंने बोला आप ऐसे कैसे एक्शन जो है ये जारी कर सकते हो, ये तो वैलिड ही नहीं है, मैं तो इसको वीटो करने आ रहा हूँ, राइट। दिस इज समथिंग दैट आई डू नॉट अग्री विद, सो आई एम गोइंग टू वीटो दिस एंड अब जो है आप कोरिया के अंदर नहीं जा सकते, ठीक है। ये आइडिया जो है अब उन्होंने बोल दिया कि आप मत जाओ, ठीक है। तो क्या किया उन्होंने, विड्रॉ कर लिया फिर अपना वीटो। अब यूएस कहता अब हम क्या करें, राइट। सो यूएस ने एक और अ वे बना लिया ऑफ हाउ टू गेट अराउंड दिस, ठीक है, कि किस तरह से हम इसको बाईपास कर सकते हैं। ये बाईपास मेजर आया बाय अप्रोचिंग द यूएन जनरल असेंबली, ठीक है। अब जनरली क्या होता है व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी एंड अदर मेजर्स, ये बात की जाती है कि अगर ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ है, जैसे कि कोरिया में वॉर चल रही है, तो अगर यूएनएससी इसको कंसिडर कर रहा है, जनरल असेंबली इसके ऊपर कोई डिसीजंस नहीं लेगा, इसके बारे में कोई रिकमेंडेशंस नहीं देगा। अब क्योंकि ये वीटो हो गया, यूएस कहता मैं ऐसे कैसे चुप बैठे रहूं, तो वो जनरल असेंबली के पास गए एंड जनरल असेंबली को उन्होंने बोला दैट वी नीड टू डू समथिंग अबाउट दिस, राइट। अब आया जिसको बोला जाता है रेजोल्यूशन 377, राइट, या फिर इट इज ऑल्सो कॉल्ड द यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन, ठीक है। कई बार ना वैसे आपको पूछ लेते हैं कि ये रेजोल्यूशन क्या है, ठीक है, ये था रेजोल्यूशन 377A या फिर यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन, जिसको एचेसन प्लान भी जो है बुलाया गया, ठीक है। एचेसन प्लान अब बेसिकली यूएन को एक ऑल्टरनेटिव एवेन्यू देता था एक्शन के लिए, कि अगर किसी एक परमानेंट 5 मेंबर ने अपनी वीटो पावर यूज कर ली है सिक्योरिटी काउंसिल को रोकने के लिए टू कैरी आउट फंक्शंस जो कि यूएन चार्टर अलाउ करता है, दैट इज मिलिट्री एनफोर्समेंट, इन केस कहीं पे वॉर ब्रेकडाउन हो गई या कुछ हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम जा सकते हैं अपने जनरल असेंबली के पास, कि जनरल असेंबली को हम बोलेंगे कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए हमें ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो जनरल असेंबली क्या करेगी, वो इस मैटर को कंसिडर करेगी एंड इशू कर देगी अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशंस यूएन मेंबर्स को, कि आप ये कलेक्टिव एक्शन या ये कलेक्टिव मेजर्स जो है ले सकते हैं, इंक्लूडिंग यूज करना आर्म्ड फोर्स को जहां पे उन्हें लगता है नेसेसरी है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो यही उन्होंने काम किया विद रिगार्ड टू जब आपका आया कोरियन क्राइसिस का इशू, ठीक है। तो ये कोरियन क्राइसिस के टाइम पे जो है ये जनरल असेंबली ने इन्वोक किया। अगेन बहुत सारे टाइम्स है जब इसको दोबारा इन्वोक किया गया है अगेंस्ट वेरियस काइंड्स ऑफ वीटोज, राइट। फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान के टाइम पे जो है ये इन्वोक किया गया था, आपके अगेन जब मिडल ईस्ट में क्राइसिस आया था तब इन्वोक किया गया था, पैलेस्टीन के टाइम पे, नामीबिया के टाइम पे, इन सब टाइम पे जो है इनको इन्वोक किया गया है, ठीक है। सो दिस इज इन द ओनली टाइम बट मल्टीपल टाइम्स जो है दे हैव ट्राइड टू इन्वोक दिस रेजोल्यूशन 377 टू गेट सम फॉर्म ऑफ कलेक्टिव एक्शन इनटू ऑर्डर। अगेन इसको आपकी यूएनएससी जो है वो भी इन्वोक कर सकती है, इसको जो आपकी जनरल असेंबली है वो भी इन्वोक कर सकती है, राइट। सो ये जो है आइडिया अब आ गया। अनदर जहां पे कलेक्टिव एक्शन जो है दिया गया था वाज इन द फॉर्म ऑफ द स्वेज क्राइसिस ऑफ 1956। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इट वाज इन यूएसए और रशिया, बट इनफैक्ट ब्रिटेन एंड फ्रांस जिन्होंने अपने वीटोज यूज किए ब्लॉक करने के लिए एक यूएस का रेजोल्यूशन जो कि कंडेम कर रहा था इजराइल, ब्रिटेन एंड फ्रांस की जो कलेक्टिव इन्वेजन थी ऑन इजिप्ट, बिकॉज नासिर के अंडर इजिप्ट ने नेशनलाइज कर दिया था स्वेज कनाल को, राइट। हाउएवर यूएस वाज़न्ट इन द मूड, कि वैसे वो देख रहे थे कम्युनिस्ट किस तरह से काम कर रहे हैं, राइट, तो उन्होंने बोला कि आपको कुछ तो करना पड़ेगा, राइट। तो अब यूएस ने इसको ब्लॉक करने की कोशिश की, बट यूके एंड फ्रांस कहते हैं हम आपकी बात नहीं मानेंगे, राइट। हाउएवर बाय अदर मींस यूएस वाज एबल टू रिजॉल्व दिस इशू। देन यूएन की अगेन इंटरवेंशन आई थी आपकी गल्फ वॉर 1991 के अंदर, राइट। नाउ दिस वाज अ पीरियड, जैसे कि 1991 में आपको पता ही लग रहा होगा कोल्ड वॉर वाज कमिंग टू एन एंड, यूएसएसआर जो है आपका क्रम्बल हो रहा था, राइट। गॉर्बचोव अब आ गए थे, वो बेसिकली रशिया जो नया बनने वाला था उसके ऊपर ज्यादा फोकस करने में बिजी थे, राइट। सो बेसिकली US had now emerged as a global superpower. It was a unipolar world. तो एक तरह का जो constant threat था in the UNSC from Soviet Union, now that had disappeared. Now this Gulf War took place between Iraq एंड कुवैत, ठीक है, जहां पे सद्दाम ने बोला कि बस कुवैत तो अब गया, ठीक है, कुवैत गया, हम कर रहे हैं तुम पे अटैक, तुम गए। अब पहली बार जो है अब एक कलेक्टिव फुल ऑन मिलिट्री एक्शन सैंक्शन किया गया अंडर द यूएन, व्हिच वाज लेड बाय हु, व्हिच वाज लेड बाय द यूएस, जो कि पॉपुलरली इज नोन एज द ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, राइट। एंड सद्दाम की इराकी फोर्सेस वो पुश्ड आउट। इनफैक्ट ये कहा जाता है दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कलेक्टिव एक्शंस, ए जो अग्रेसिव पावर थी उसको पुश आउट किया गया। वेरी इंपॉर्टेंटली द यूएस लेड फोर्सेस जो है उन्होंने यूएन की नॉर्म्स भी फॉलो किए। मतलब जो इराकी फोर्सेस थी वो भाग रही थी अब कुवैत से, तो जो इराकी फोर्सेस भाग के वापस इराक जा रही थी ना, द यूएन की फोर्सेस डिड नॉट परस्यू देम। दे सेड हमारा काम था कुवैत को सिक्योर करना, हमारा काम ये नहीं है कि हम इराक के अंदर घुस के अब इराकी फोर्सेस को मारे और उनको हराए, दैट इज नॉट आवर इशू। आवर इशू इज टू रिन्यू पीस एंड स्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड, वो हमने कर दिया है, बस अब हमारा काम खत्म होता है, राइट। तो एक तरह से ये गल्फ वॉर जो है एक मेजर सक्सेस स्टोरी मानी जाती थी व्हेन इट केम टू परस्यूट ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड कलेक्टिव एक्शन। However, recent times में again ये जो issue of veto है ये दोबारा उभर के आ गया है, especially with the growing prowess of Russia and China, ठीक है। तो there have been numerous times when one or the other has blocked any action against the other body, right? तो for example जॉर्जिया के अंदर जब इन्वेजन की तो रशिया क्या बोलता है कि मैं तो रशियन लोगों को बचाने के लिए जा रहा हूँ। यूक्रेन में क्रिमिया के अंदर जब उन्होंने की, सीरिया के अंदर जब क्राइसिस हुआ, राइट, तो ये जो है उसको वीटो करते रहते हैं। सिमिलरली 2021 में जो म्यांमार का कू होता है उसके अंदर एक जॉइंट स्टेटमेंट बनाने के लिए भी जो है चाइना उसको वीटो कर देता है। सो इंस्टेड ऑफ कंडेमिंग इट दे से वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड विद इट, राइट, देयर सम मेजर शुड बी टेकन टू सेफगार्ड द लीडर्स ऑफ द एनएलडी इंक्लूडिंग ऑंग सान सू की, राइट। ज्यादा जो है वो एक भारी वर्ड्स नहीं यूज करते क्योंकि चाइना उसको भी वीटो कर रहा है, राइट। तो इस तरह से अभी भी इन द प्रेजेंट डे सिचुएशन ऑल्सो वी सी दैट अभी भी एक टग ऑफ वॉर चल रही है इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब क्या है ये वीकनेसेस ऑफ द यूएन व्हेन इट कम्स टू कलेक्टिव सिक्योरिटी? बहुत सारे स्कॉलर्स अभी भी बिलीव करते हैं दैट रादर देन बीइंग अ मेजर ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी यूएन इज मोर अकिन, इट इज मोर लाइक अ कंसर्ट ऑफ ग्रेट पावर्स, राइट। तो ये कहते हैं कि बेसिकली इट इज एन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, ये कभी कलेक्टिव सिक्योरिटी बन ही नहीं पाया, राइट। स्कॉलर्स क्या कह रहे हैं कि अब देखो कलेक्टिव सिक्योरिटी के अंदर एक असम्पशन तो यही थी कि आपकी सिमिलर काइंड ऑफ जो है लेवल ऑफ पावर हो, सम फॉर्म ऑफ इक्वालिटी हो स्टेट्स के बीच में, वो तो कभी यूएन में है ही नहीं। हमें पता है देयर आर सर्टेन स्टेट्स दैट डोमिनेट द यूएन, राइट, आपके P5 जो है कितने ज्यादा डोमिनेट करते हैं, राइट। तो इसके कारण रादर देन बीइंग अ कलेक्टिव सिक्योरिटी मेजर ऑल द यूएन प्रोवाइड्स थ्रू द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इज अ टॉकिंग शॉप फॉर ग्रेट पावर्स, कि आपस में सुलझा बुलझा के एक दूसरे को मना के ये किसी तरह का एक बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन कर पाए, ठीक है। नाउ बिकॉज ऑफ दिस रीजन अ नंबर ऑफ वीकनेसेस हैव बीन पॉइंटेड आउट। पहला, इन अ पेपर मोहम्मद हिलाल जो है ये कहते हैं कि कहीं पे भी यूएन चार्टर जो है ये यूएन चार्टर गारंटी नहीं करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अग्रेशन। मतलब अगर अग्रेशन हो गया इट इज कंप्लीटली अप टू द यूएन वेदर दे पार्टिसिपेट और नॉट। एंड यही एक मेजर उनका क्रिटिसिज्म आता है दैट देयर हैव बीन न्यूमरस इंसिडेंट्स जहां पे यूएन शुड हैव sent collective action ki forces but either due to veto or just because they thought that this isn't important enough उन्होंने इसके साथ ढंग से डील नहीं किया है, ठीक है। तो ये कहते हैं because of this reason no appropriate action was taken and आपने जो है अपने हिसाब से जब आपको लगता है कि आपके सेल्फिश इंटरेस्ट है आप घुस जाते हो, अदरवाइज आप नहीं करते हैं, राइट। साथ ही में चार्टर जो है किसी मेंबर स्टेट को भी एज अ राइट आप क्लेम नहीं कर सकते, अरे म्यांमार में कू हो गया जल्दी आओ मुझे बचाने आओ, ठीक है, कि जल्दी आ जाओ यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, जल्दी आ जाओ यहाँ पे डेमोक्रेसी टॉपल हो रही है। यू कैन नॉट claim that they should come and safeguard you, right? ऐसा कोई right exist नहीं करता है for member states। साथ ही में एक और चीज जो कि वेरियस स्कॉलर्स कहते हैं कि यूएन कितनी इफेक्टिव है एंड कितनी ढंग से काम कर पाती है इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द इन्वायरमेंट दैट इट इज वर्किंग इन, राइट। अब ये तो स्ट्रक्चरल रियलिस्ट का कितना ही मानना था कि इट इज द सिस्टम, इट इज द स्ट्रक्चर विच डिटर्मिन्स योर फंक्शनिंग, राइट। तो ये कहते हैं और बना ली आपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, बट कैसे एस्केप करोगी इंटरनेशनल क्लाइमेट को, राइट। तो अगेन एग्जांपल क्या है कि इराक के अगेंस्ट जो पूरा एक सक्सेसफुल कलेक्टिव एक्शन था वो पॉसिबल क्यों था, क्योंकि यूएसएसआर क्रम्बल हो रहा था, कोल्ड वॉर वाज कमिंग टू एन एंड, देयर वाज नोबडी टू अपोज यूएसए एंड यूएसए सडनली वाज डॉनिंग ऑन दिस न्यू मैंटल ऑफ बीइंग द हेजेमन जो कि स्टेबलाइज करेगा इस इंटरनेशनल रेजीम को। सिमिलरली एक और मेजर वीकनेस जो कि हम आगे भी चल के देखेंगे इज यूएन की ओवर रिलायंस ऑन यूएस की मिलिट्री लीडरशिप, ठीक है, जैसे कि हमने इराक में भी देखा एंड वेरियस और जगह भी देखेंगे कि बोथ इन टर्म्स ऑफ स्पेशली जो आपका बजटरी सपोर्ट है एज वेल एज यूएस अगर अलाउ करता है कलेक्टिव एक्शन, यहाँ पे बड़ा डिपेंडेंट है वो यूएस के ऊपर। इनफैक्ट रमेश ठाकुर यही बात करते कि किस तरह से यूएस की जो अनपैरेलल्ड कैपेसिटी है विद इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का सिस्टम, यही इसकी सोर्स ऑफ लेजिटिमेसी है। क्यों, हमने किया था ना हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी, दैट इट इज द हेजेमोन जो कि लेजिटिमेसी बना के रखता है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। इट इज बिकॉज अदर मेंबर स्टेट्स फील के यूएस के पास जो है नेसेसरी फोर्स है, कैपेबिलिटी है ऑफ एंश्योरिंग सच कलेक्टिव एक्शन के वो थोड़ा बहुत डरते हैं। अब कितना हुआ था कि 2015 के अंदर ट्रंप ने बोल दिया कि जो पीस कीपिंग मिशन है उसके अंदर हम बजटरी कट्स करते हैं, ठीक है, उसके अंदर हम पैसा नहीं देंगे या यूएन को हम यहाँ पे सपोर्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे पुलिंग आउट ऑफ यूनेस्को और WHO। तो उससे क्या होता है, यूएन की ओवरऑल लेजिटिमेसी जो है वो भी हैम्पर हो जाती है, जिस तरह से हमने देखा था लीग ऑफ नेशंस में क्योंकि ग्रेट पावर्स नहीं थी तो इसलिए वो भी एक लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बची थी। सिमिलरली बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ ओवर रिलायंस ऑन यूएस जो है एज अ हेजेमन उनका यूनिलैटरल फॉरेन पॉलिसी एंड एक्शन जो है शुरू हो जाता है। हमने देखा ये इन द फॉर्म ऑफ द आपका इन्वेजन ऑफ इराक 2003 में जो आया, यूएन ने बोल दिया कि नहीं दिस इज नॉट समथिंग दैट वी विल अलाउ। तो यूएस ने क्या किया, यूएस का था कोई नहीं, आई विल कलेक्ट अ कोलिशन ऑफ द विलिंग एंड आई विल अटैक इराक अगेन एंड देयर वाज नथिंग दैट your UN could do, right? अब technically अगर हम देखें US was being an aggressor, ठीक है, US was being an aggressor, but UN उनको कुछ नहीं कर सकता था, ना ही morally वो कुछ बोल सकता था कि आप मत कीजिए। Over time as the world has grown more multiplex or more multipolar, we have seen again unilateral actions of various other countries also, right? जिस तरह से रशिया का एक्शन था यूक्रेन क्रिमियन पेनिनसुला को लेके, या फिर आपको जो एग्जाम्पल दिया चाइना ब्लॉकिंग द ज्वाइंट स्टेटमेंट जो है कंडेमिंग द कू इन म्यांमार, सो द ज्वाइंट स्टेटमेंट दैट केम आउट वाज रिलेटिवली काफी ज्यादा वाटर्ड डाउन। तो यूएनएससी नहीं बल्कि अब यूएन के सेक्रेटरी जनरल बोल रहे हैं दूसरे लोगों को, कंट्रीज को, कि यू नो यू शुड ट्राई एंड act against the military coup, right? You should try and dissuade them from this. Why? Because they know UNSC कुछ नहीं कर सकता क्योंकि चाइना उसको ब्लॉक करके बैठ जाएगा, right? So because of this reason ये major weaknesses हैं जो कि United Nations के collective security measures में exist कर रही हैं। साथ ही में LH मिलर भी जो है पॉइंट आउट करती हैं कि कंटेम्प्रेरी सिनेरियो में बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ लिमिटेड पावर जो कि एग्जिस्ट करती है यूएन के पास, जो आपकी रीजनल अरेंजमेंट्स हैं जिनको हम कलेक्टिव डिफेंस अरेंजमेंट्स बोलते हैं, दे हैव बिकम मोर इम्पॉर्टेंट एंड पीपल एंड कंट्रीज लुक मोर टू देम for their defense rather than collective security, right? So people and nation states are not concerned with कि सीरिया में कितना बुरा हाल हो रहा है, लिबिया में क्या हो रहा है, म्यांमार में क्या चल रहा है, राइट, कॉन्गो में क्या है, सुदान में क्या है, नाइजीरिया में क्या है, उनको कोई कंसर्न नहीं है एज लॉन्ग एज दे फील सेफ, राइट। तो दे वुड रादर रिलाई ऑन कलेक्टिव डिफेंस रादर देन कलेक्टिव सिक्योरिटी, राइट। हाउएवर वन मेजर एरिया जहां पे यूएन की एक लिमिटेड सक्सेस रही है दैट हैज बीन विद रिगार्ड टू इट्स पीस कीपिंग मिशंस, ठीक है। अब क्या है ये पीस कीपिंग का आइडिया, वी विल लुक एट दैट।